दोस्तों कहानियाँ जब निजी ज़िंदगी से बाहर आती हैं ना तो काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं, काफ़ी मोटिवेशनल भी हो जाती हैं। क्लास 10 में हमारा एक चैप्टर था इंग्लिश में द बैट। वो कहानी मेरे मस्तिष्क में कुछ इस तरह से छपी हुई है कि वो आज भी बाहर नहीं निकल पाई है। और आज के इस एपिसोड में मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद हम आएंगे उसके मोटिवेशनल एंगल पे। तो मैं हूं संदीप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी को शॉर्ट में समझते हैं। एक लॉयर रहता है और एक बैंकर रहता है, दोनों एक पार्टी में मिलते हैं। दोनों अनजान रहते हैं लेकिन दोस्तों के थ्रू वो एक जगह आ जाते हैं। एक विवाद उठता है, एक मुद्दा बनता है और वो एक बेट के रूप में आ जाता है। बेट ये होता है कि क्या कोई इंसान एक कमरे में 15 साल गुजार सकता है। इस बात पर बैंकर एग्री नहीं कर रहा था और लॉयर इसी बात को सपोर्ट कर रहा था कि क्यों नहीं रह सकता है, कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है। और इसी बात पर जो है एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि लॉयर जो है एक कमरे में 15 साल तक रहेगा और बैंकर अगर ऐसा हो गया तो अपना सारा जो इनकम होता है वो उसे लास्ट में दे देगा 15 साल के बाद। और अगर एक दिन पहले लॉयर उस रूम से बाहर निकल गया या फिर उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की एक्सेप्ट फॉर द थिंग जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो खिड़की खोला गया था, वहां से उसे सब कुछ मांगना था। अदरवाइज वो और किसी से बात नहीं करेगा, नहीं तो उसका जितना भी अर्निंग है, उसका जितने भी खेत खलिहान है, वो सारे के सारे बैंकर के नाम हो जाएंगे। दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया। इसी तरह से साल बीतते गए और बैंकर इसी सोच में हर साल बिताता चला गया कि इतने दिन तक कोई इंसान नहीं रह सकता है अंदर। लेकिन हाँ, इस चक्कर में क्या किया, उसने शादी भी नहीं की। हर समय ये सोचता रह गया कि ऐसा ना हो कि कहीं लॉयर जो है 15 साल तक रह जाए। हर एक दिन उसके लिए काफ़ी मुश्किल से बीता और लॉयर ने ये सोचा कि चलो अभी मैं इतना मेहनत कर लेता हूँ, एक जगह रहने में क्या दिक्कत है, इतने सारे सब कुछ तो मिलना ही है, यहाँ पे किताब पढ़ने के लिए मिलना ही है, टीवी मिलना ही है, जो भी मांगूंगा वो मिल जाएगा। एक कमरे में जब सारी फैसिलिटीज़ मिल ही जाएगी तो 15 साल कौन सी बड़ी बात है, और इसके बाद जो है मैं बिंदास अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, जहाँ मन वहाँ जाऊँगा, हर जगह घूमूंगा, ऐश करूँगा, आराम करूँगा। दिन बीतते चले गए, 14 साल 11 महीने और 28 से 29 दिन हो गए, एक दिन बचा हुआ था। अब इनके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। बैंकर ने सोचा यार ये इतने दिन तक रह गया, अगर ये 15 साल पूरा कंप्लीट कर लेता है तो मेरी पूरी जो अर्निंग होती है ना वो सारी अर्निंग मेरी ख़त्म हो जानी है। तो वो सोचता है, चाकू उठाता है, सोचता है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा। लॉयर क्या सोचता है, यार क्या फ़ायदा हुआ, वो मतलब परेशान हो गया था अपनी ज़िंदगी से, एक ही कमरे में रहते रहते एक ही चीज़ करते करते कितना चीज़ करेगा, एक ही चीज़ हर बार रिपीट होती थी, हर सप्ताह रिपीट होती थी। सारे किताब पढ़ डाले थे उसने, सारे बुक्स पढ़ डाले, सारे समरी उसने कर दिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। जितना भी जो चाहे वो आर्ट क्राफ्ट का काम हो, चाहे वो पेंटिंग का काम हो, चाहे वो कुछ भी हो, मूवीज़ देखना हो, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसके जीवन में कोई भी रस नहीं बचा था। फिर वो ये सोचने लगा कि यार मैंने किया क्या, इस कमरे में बंद रहते थे मैंने अपने 15 अनमोल साल बिता दिया और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या घूमूंगा, क्या लाइफ जीऊँगा, इससे अच्छा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ और ज़िंदगी को जीऊँ। इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं यहाँ 15 साल रह के किसी का पैसा लूँ, जबकि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है इसी चीज़ में बीत गई कि यार मैं 15 साल बाद ये करूँगा और अब मुझे उस चीज़ का लालच ही नहीं रहा क्योंकि मैंने सब कुछ लवल लाइफ में कर लिया है। वो क्या करता है, जैसे ही बैंकर उसे मारने के लिए जाता है वो देखता है कि दरवाज़ा खोलकर वो लॉयर वहाँ से भाग गया, यानी कि ना उसे पैसे चाहिए हुए थे। उसने ये समझ लिया कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, फ्रीडम सब कुछ होता है, ज़िंदगी सब कुछ होता है, और वो वहाँ से निकल चुका था। और बैंकर ये अफसोस कर रहा था कि यार मैं क्या बस से क्या बन गया, मैं एक बैंकर था और आज मैं एक मर्डर बनने जा रहा था, मैं किसी को मारने के लिए आया था। तो ये छोटी सी कहानी है, शिक्षा हमें बहुत कुछ देती है। चलते हैं मोटिवेशनल एंगल की तरफ। भले ही मैंने क्लास 10th में पढ़ा था पर उसकी छाप आज तक मेरे जीवन में है। यानी कि अगर आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो है ना, आपका डाउनफॉल श्योर है। तो ध्यान रखिए, किसी भी तरह के सिचुएशन में आप लोगों को प्रूव करने के लिए कुछ अगर कर रहे हैं ना, वो लोग आपकी लाइफ से कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है डाउनफॉल की तरफ चले जाएंगे। तो कभी भी दूसरों को प्रूव करने के लिए आप जो है कोई भी बेट ना लगाएं, किसी तरह की चीज़ ना रखें। और हाँ, किसी भी बात पे ईगो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस रखना बहुत बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बात के फैक्ट्स को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद आप उस पर बेट लगा दे रहे हैं क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको आदत हो जाती है कि हाँ ये चीज़, ये घटना यहाँ तक गई है, इसके बाद ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, अननोइंगली सिर्फ केवल एंगर में आके या फिर आवेश में आकर के आप कोई बेट लगा लेते हैं तो समझ लीजिए आपका ज़िंदगी कितना ख़राब हो जाता है। यानी कि इन दोनों ने आधी ज़िंदगी जो है एक दूसरे के हराने में लगा दिया और बाकी की आधी ज़िंदगी जो है ये रिपेंट करते हुए चले गए। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी ये अच्छी लगी होगी। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।